माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में, जो कि क्लास 9th की बायोलॉजी की पहली यूनिट, जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ का वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। बिल्कुल सही आपने सुना, यानी अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि अगर ये 7वां वीडियो लेक्चर है तो भाई इससे पहले के 6 कहां है, मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहूंगा जो ये आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो ऑलरेडी देखते आ रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो सभी लोग आराम से देख सकते हैं, मैंने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज का वीडियो लेक्चर हमारे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर का कंटिन्यूड वर्जन है। नो डाउट कि आज मैं कुछ नया पढ़ाऊंगा, लेकिन नए में भी मैं वो पढ़ाऊंगा जो ऑलरेडी मैं पढ़ाना शुरू कर चुका हूं। जी हां, हम हमारी यूनिट सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के आखिरी पड़ाव पे हैं। आखिरी पड़ाव पे मतलब हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं और आखिरी टॉपिक हमारा चल रहा है सेल ऑर्गेनल्स। ये बात मैं बखूबी आप लोगों को बता चुका हूं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स मतलब कि वो स्ट्रक्चर जिनकी सुरक्षा के लिए उनके चारों तरफ अपनी खुद की कोई परत होती है। एंड दीज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विद इन द सेल। ये सेल में मौजूद होते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगहों पे लोकेटेड होते हैं। एंड दीज सेल ऑर्गेनल्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। यानी सेल के कामकाज को, सेल के स्ट्रक्चर को, सेल की एक्टिविटीज को, सेल के अंदर हुए जाने वाली सभी गतिविधियों को कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई सेल ऑर्गेनल किसी ना किसी गतिविधि के लिए जिम्मेदार होता है। अब कौन सा सेल ऑर्गेनल क्या करता है, ये बात आपको धीरे धीरे पता चलती जाएगी। लेकिन इस वीडियो लेक्चर से पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको दो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बखूबी पता लग चुका है। एक जिसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा सेल ऑर्गेनल जिसका नाम था राइबोसोम्स। यानी पहले वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर नंबर 6 में, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स नामक दो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बहुत अच्छे से दिया था आपको ज्ञान। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में दो सेल ऑर्गेनल्स का जिक्र हुआ है तो आज के वीडियो लेक्चर में भी दो सेल ऑर्गेनल्स का जिक्र जरूर होगा और काफी यूनिक तरीके से होगा ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आए। तो आज का वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए सेल ऑर्गेनल के बारे में जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम्स। बिल्कुल सही आपने सुना। और दूसरा सेल ऑर्गेनल जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। सीधा सुनो, उसके बाद आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। और अगर सुनते सुनते आप अपने साथ आपकी किताब यानी कि आपकी एनसीईआरटी ओपन कर लेते हो या कोई भी बुक अगर आप ओपन कर लेते हो तो आपको मेरे द्वारा बताए जाने वाली सभी बातें अच्छे से समझ जरूर आएंगी। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में आराम से पाया जाता है। बहुत कम कह लूं या ना के बराबर कहूं, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। कुछ प्लांट सेल्स में जरूर होता है और हम मैमल्स में, हमारे रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में, ऑलमोस्ट सभी में लाइसोसोम हमें मिलता है। और उसे आसानी से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। सी डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने 1949 में लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। जब उन्होंने बाकी सभी वैज्ञानिकों को लाइसोसोम्स के बारे में बताया तो उनका क्या कहना था, सुनिए। उन्होंने कहा कि लाइसोसोम्स एक प्रकार के वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर है। वैक्यूल आप अच्छी तरह जानते हैं, सेल के अंदर की किसी भी खाली जगह को कहते हैं। यानी लाइसोसोम्स आर बेसिकली स्मॉल स्फेरिकल शेप, इनका आकार गोल होता है। गोल आकार के छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल्स है जो पूरे सेल में बटे हुए होते हैं और इन लाइसोसोम्स के पास अपनी खुद की एक परत होती है जो इनकी सुरक्षा करती है। लेकिन सवाल ये आता है कि सर, अगर लाइसोसोम्स
पूरे सेल में बटे हुए हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, तो ये करते क्या है? बिल्कुल सही, मैंने आपको ये बता दिया कि लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है। अब जानते हैं कि लाइसोसोम्स का काम क्या है। लाइसोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनल्स विच प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डाइजेशन। जी हाँ, यानी किसी भी सेल के स्ट्रक्चर में चीजों को पचाने में, चीजों को डाइजेस्ट करने में अगर किसी सेल ऑर्गेनल का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो है लाइसोसोम्स का। एक बच्चा पूछता है पचाना है, किस चीज को पचाना है? वेरी गुड, सुनो ध्यान से। एक सेल के स्ट्रक्चर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेल के काम की होती हैं। एक बच्चा कहता है फिर उन चीजों का क्या जो सेल के काम की नहीं है? हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि सेल के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि सेल के काम के नहीं होते। तो मैं बताना चाहूंगा कि तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक वो जिनकी सेल को जरूरत है, एक वो जिनकी सेल को जरूरत नहीं है, और एक वो जो सेल के लिए खतरनाक है। तो एक होता है जिसे हम कहते हैं वांटेड पार्टिकल और यूजफुल पार्टिकल। यूजफुल पार्टिकल मतलब कि वो पार्टिकल जो सेल के काम आएगा। एक होता है अनवांटेड पार्टिकल या वो पार्टिकल जो कि यूजलेस है, यानी सेल के काम नहीं आएगा। और एक होता है हार्मफुल पार्टिकल, यानी कि वो पार्टिकल जो कि सेल के काम तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना काम भी नहीं आ रहा है, लेकिन सेल के लिए खतरा साबित हो सकता है अगर वो सेल में रहा। तो आपको बताना चाहूंगा कि लाइसोसोम्स के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे घरों में हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या मच्छर मक्खी को मारने के लिए कीटनाशक दवा इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सेल की बॉडी में भी सेल के पास एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल्स में ताकत होती है, इतनी ताकत कि वो किसी भी चीज को नष्ट करने में, किसी भी चीज को मारने में, किसी भी चीज को डैमेज करने में, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने में, पचाने में, खत्म करने में सक्षम है। वो क्या चीज है? तो लाइसोसोम्स के पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंजाइम्स का नाम है, लेकिन इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है जिनकी डिटेल में फिलहाल हमें नहीं जाना। लेकिन ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को हम एक आम भाषा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कह सकते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब हुआ ऐसे एंजाइम्स जो पचाने में आपकी मदद करते हैं। एक बच्चा कहता है क्या पचाना है? बिल्कुल सही, पचाना कहिए या ना पचाना कहिए, या नष्ट करना कहिए, या खत्म करना कहिए, या आप कह सकते हैं डैमेज करना चाहिए। यानी सेल के स्ट्रक्चर में आप चीजों को पचा रहे हो या चीजों को नष्ट कर रहे हो। नष्ट कहना हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी नुकसान वाली चीज को नष्ट करना है, और काम वाली चीजों को पचाया जाता है। तो सेल की बॉडी में सेल के पास उसकी उन चीजों को पचाने के लिए जो कि उसके काम आ सकती है, सेल की बॉडी में सेल के पास उनकी उन चीजों को नष्ट करने में जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है, और सेल के पास सेल की बॉडी में उन चीजों को गायब करने में या डैमेज करने में या निकालने में या खत्म करने में जो उसके काम नहीं आ सकती, इन सब में अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है तो वो है एक बहुत छोटा सा प्यारा सा स्फेरिकल शेप गोल आकार का सेल ऑर्गेनल जिसे कहा जाता है लाइसोसोम्स। लेकिन आपको मैं लाइसोसोम्स के बारे में एक छोटी सी खास बात और बताऊंगा। लाइसोसोम्स के स्फेरिकल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब लाइसोसोम्स का शेप कैसा है? गोल आकार का, और उसके चारों तरफ एक परत है जो उसकी सुरक्षा कर रही है। इस परत में इतनी मजबूती होती है कि लाइसोसोम के अंदर का एंजाइम लाइसोसोम के बाहर नहीं आता। एक बच्चा कहता है लाइसोसोम के अंदर का एंजाइम बाहर नहीं आएगा तो लाइसोसोम किसी चीज को कैसे पहुंचाएगा? लाइसोसोम जिस चीज को नष्ट करता है उस चीज को खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है, और मान लीजिए ये कोई छोटी सी चप पार्टिकल है और ये लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम इसकी तरफ आएगा, लाइसोसोम इसकी तरफ जाएगा और इसे अपने पास इस तरह से पचाने की कोशिश करेगा, और थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे कि लाइसोसोम ने इस पार्टिकल के पास आकर इसे पचाने की कोशिश करी और अंदर ही अंदर वो नष्ट हो जाएगा, यानी वो बाकी सेल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम अगर बाहर निकल गया
तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है? पचाना। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो एंजाइम अगर बाहर आ गया तो वो सेल के बाकी चीजों को पचाना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। कुछ सिचुएशंस में ऐसा आता है या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेल अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है या सेल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका होता है या सेल खराब हो चुका होता है या सेल को लगता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मेरी वजह से कहीं बॉडी के बाकी सेल्स खराब ना हो जाएं। ऐसे में लाइसोसोम डिसाइड करता है कि अब वक्त आ चुका है इससे पहले कि जिस सेल में मैं बैठा हूं वो सेल बाकी सेलों को नष्ट करे, क्यों ना मैं इसी को मार दूं, क्यों ना मैं इसी को नष्ट कर दूं। तो लाइसोसोम के अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस सेल में रिलीज हो जाते हैं और जब वो एंजाइम्स सेल में रिलीज हो जाते हैं तो वो पूरे सेल के हर एक चीज को अच्छे से नष्ट कर देते हैं। साफ साफ कहिए ना सर, उसने अपनी जान खुद ही ले ली। हाँ, और अपनी जान खुद लेने को सुसाइड करना कहते हैं। इसका मतलब लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, यानी लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स जस्ट बिकॉज दीज लाइसोसोम्स कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच इज कैपेबल ऑफ किलिंग और कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द एंटायर सेल जब जरूरत पड़े। बातें समझ आनी चाहिए। एक बच्चा कहता है सर आपने बातों बातों में लाइसोसोम्स के बारे में बता दिया, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाया था, फिर आपने गॉल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ाया और इस वीडियो की शुरुआत में आपने ये कहा कि आप लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाओगे। इससे पहले कि आप माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ बढ़ो, मेरे मन में उठ रहा है एक छोटा सा सवाल। मैंने भी पूछा उस बच्चे से कि भाई तेरे मन में उठ रहा है कैसा सवाल, तू मुझे पूछ ना मैं बताऊं तो तू मचा दे बवाल। वो कहता है नहीं 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 सर, मैंने जो पूछा है आपसे सवाल वो है बहुत ही छोटा सा कि इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स को अगर सेल में इतने सारे काम करने के लिए बिठाया गया है तो यार इन सबके पास काम करने की एनर्जी आती कहां से? क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है यार, बात तो सही है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी काम कर रहा है, राइबोसोम भी काम कर रहा है, अब लाइसोसोम भी इतनी मेहनत कर रहा है तो इन सबके पास एनर्जी आती कहां से? तो मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी सेल के स्ट्रक्चर के पास जो उसके सेल ऑर्गेनल्स को मिलने वाली एनर्जी है, रिपीट कर रहा हूं अपनी बात ध्यान से सुनो, किसी भी सेल के स्ट्रक्चर के पास उसके सेल ऑर्गेनल्स को मिलने वाली जो यूजफुल एनर्जी है या काम आने वाली जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी उसी सेल में मौजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल से प्राप्त होती है और उस सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों। अब सवाल ये आता है सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मैं बताना चाहूंगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाए जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। एक बच्चा कहता है सर क्यों? वेरी सिंपल, आप खुद सोच के देखिए, खुद सोच के देखिए, अगर आप एक स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर टीचर आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और उन टीचर को वहां पे आपके लिए बुला रहा है स्कूल का प्रिंसिपल और स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर बैठा है स्कूल का चेयरमैन, वो सबको सैलरी देता है काम करने की, तब जाके सब काम करते हैं। अगर आपके स्कूल की टीचर को सैलरी मिलनी बंद हो जाए तो क्या स्कूल की टीचर काम करने आएगी? नहीं। अगर स्कूल का मालिक स्कूल के प्रिंसिपल को सैलरी देने से मना कर दे कि नहीं जी तुम आओ और काम करो, वो कहता है नो आई कैन नॉट वर्क विदाउट मनी। सिमिलरली माई डियर स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनल्स कैन नॉट वर्क विदाउट एनर्जी। अब एक बच्चा कहता है आप ये कह रहे हो कि सेल ऑर्गेनल्स बिना एनर्जी के काम नहीं करते तो उनको एनर्जी कोई तो देता होगा। सेल ऑर्गेनल्स को एनर्जी देने का काम या सेल ऑर्गेनल्स तक उस काम को करने की जो ताकत है, ताकत कहिए या एनर्जी कहिए या पावर कहिए, वो पावर पहुंचाने का काम अगर कोई सेल ऑर्गेनल करता है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बच्चा पूछा माइटोकॉन्ड्रिया अगर वहां तक सेल के पास एनर्जी पहुंचा रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन पहुंचा रहा है?
माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी मिलती है उस खाने से जो हम खाते हैं। तो एक बच्चा कहता है ठीक है ना, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को साइड कर दो, सीधा खाना खाओ और सेल ऑर्गेनल्स को एनर्जी पहुंचाओ। ऐसा नहीं है। क्या आप अपनी स्कूल की फीस जाके प्रिंसिपल को देते हो? नहीं, आप अपने स्कूल की फीस जाके डिपॉजिट करते हो फी काउंटर पे। फी काउंटर पे फीस जाती है चेयरमैन या मालिक के अकाउंट में, और उसके अकाउंट से वो फीस प्रिंसिपल के पास जाती है चेक की फॉर्म में या अलग तरीके से। इसका मतलब डायरेक्ट नहीं पहुंच रही, लेकिन किसी तरीके से पहुंच रही है। ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाने से मिलने वाली एनर्जी हमारे बॉडी के सेल ऑर्गेनल्स को डायरेक्ट नहीं मिलती, बल्कि मिलती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल के द्वारा, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही आपने सुना, एक बहुत ही प्यारा सेल ऑर्गेनल है मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों। इस सेल ऑर्गेनल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स के पास एनर्जी पहुंचाता है, वो एनर्जी जो उनके काम आ सके। एक बच्चा कहता है मतलब जो एनर्जी हमारे शरीर में हमारा खाना खाने से हमें मिलती है ये वो एनर्जी नहीं है? नहीं, जो एनर्जी हमारे शरीर में हमें खाना खाने से मिलती है वो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यानी एनर्जी हमारे शरीर में ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है, लेकिन उस ग्लूकोज को डायरेक्ट सेल के सेल ऑर्गेनल्स तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है कुछ मॉलिक्यूल्स में, और वो मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब सवाल आना चाहिए एटीपी क्या होता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी मॉलिक्यूल्स के बारे में आप डिटेल में बड़ी क्लास में जरूर पढ़ोगे। फिलहाल आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं जानना है। फिलहाल आपको सिर्फ इतनी सी बात जाननी है और इतनी सी बात समझनी है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी विच आर फॉर्म्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। यानी हम इंसान जो खाना है खाते, दांतों से चबाते, जीभ से घुमाते और गले में ले जाके पेट में पहुंचा के उसको पचाते, जब वो खाना हमारे शरीर में पच जाता तो पच जाने के बाद वो खाना ग्लूकोज में तब्दील हो जाता, और हमारे द्वारा खाया हुआ खाना जब ग्लूकोज में तब्दील हो जाता तो ग्लूकोज में तब्दील होने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाता। यानी व्हाटएवर फूड वी ईट is converted into a simple form of glucose, and after the conversion of the food that we eat into glucose, it is now transported to mitochondria of each cell. The mitochondria of each cell receives the molecule of glucose and breaks down the glucose to release energy in the form of molecule called as ATP molecule. और ऐसा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। यही वजह है बच्चों कि हम इंसान या जानवर सांस लेते हैं। एक बच्चा कहता है अच्छा, हम जो सांस ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए। हाँ जी, हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो इसलिए इनहेल करते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ये कहता है कि तुमने जो खाना है खाया, दांतों से चबाया, जीभ से घुमाया और पेट में तुमने पचाया, वो खाना मेरे पास पूरी तरह पच के है आया, लेकिन उस खाने से जो तुम्हें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी तुम तक पहुंचाने के लिए मुझे उस खाने को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक नए मॉलिक्यूल में, जिसे हम कहते हैं एटीपी। लेकिन उसे कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए ऑक्सीजन। तो तुम इंसान सांस लो, ऑक्सीजन मुझ तक पहुंचाओ, मेरे पास ऑक्सीजन आएगा तो मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ पाऊंगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो एनर्जी बना पाऊंगा, एनर्जी जिस फॉर्म में बनाऊंगा उस मॉलिक्यूल को एटीपी कहलाऊंगा, और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हमारे शरीर में पहुंच जाती है। यही वजह है कि एटीपी को एक और नाम से पुकारा जाता है, एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
It is also called as energy currency of the cell. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, एक बार आप देखो, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए बोर्ड पे लिखी है, जो भी बातें आपको बताई हैं, ये कोई बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताई है, लेकिन एटलीस्ट व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, यानी कांसेप्ट को समझने के लिए इतनी बातों को दिमाग में बिठाना इज मोर देन सफिशिएंट। फिलहाल आपने देखा होगा कि बातों-बातों में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बॉडी में फंक्शंस क्या है वो सब बता दिए, लेकिन इसमें सब कुछ में मैं एक चीज भूल गया बताना, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। आओ बताता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाए जाने वाला एक सॉसेज, सॉसेज समझते हैं, सॉसेज, सॉसेज एक खाने का आइटम है, एक खाने का आइटम है जिसकी शेप ऐसी होती है। अगर बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो आपने देखा होगा मार्केट में बर्गर और हॉट डॉग मिलता है, उसकी शेप कुछ ऐसे होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो सॉसेज शेप होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की सुरक्षा करने के लिए उसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन है और एक उसके पास आउटर मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें होते हैं फोल्ड्स, ये इस तरह से फोल्ड होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सॉसेज शेप सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इट हैज टू मेम्ब्रेन, वन is a outer membrane and one is a inner membrane. The outer membrane is completely permeable. Permeable का मतलब बाहर वाली membrane से कुछ भी अंदर जा सकता है, कुछ भी बाहर आ सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या जाएगा वो decide करने का काम होता है एक और membrane का, जिसे हम कहते हैं inner membrane. और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो एक मामूली मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं, बहुत सारे फोल्ड। अब आप सोच के देखो, हमारे घर में एक चादर कह लीजिए या एक चटाई कह लीजिए, उसमें मैं जितने ज्यादा फोल्ड करता रहूंगा वो उतनी छोटी जगह में सिमट जाएगी, लेकिन अगर उसे खोलो तो वो काफी बड़े सरफेस एरिया में जा सकती है। यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो इतने सारे फोल्ड होते हैं वो उसे प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर सरफेस एरिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें होते हैं फोल्ड्स। मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड्स, इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड्स, इनर मेम्ब्रेन होते हैज मेनी फोल्ड्स दैट प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया, दैट प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया। अब वो ग्रेटर सरफेस एरिया किस चीज के लिए, फॉर एनर्जी क्रिएशन, यानी एनर्जी को बनाने के लिए जो ग्रेटर सरफेस एरिया चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से मिल पाता है। इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है एक मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है एक मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास होते हैं प्रोटीन्स, और इसके पास होता है डीएनए, और इसके पास होता है आरएनए, और वो बहुत सारी चीजें जो कि सेल के बखूबी काम आ सकती है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल, क्योंकि एक तरह से यहां पे एनर्जी बन रही है। एक बच्चा कहता है किचन में तो एनर्जी नहीं बनती, किचन में तो खाना बनता है। नाइस क्वेश्चन, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि किचन ऑफ द सेल भी एक वर्ड है जो किसी सेल ऑर्गेनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब किसके लिए किया जाता है, इसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा बेसब्री से इंतजार, तब जाके आपको समझ आएगा कि किसके लिए किया जाता है किचन ऑफ द सेल नाम इस्तेमाल। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको आज बताया उसमें मैंने आपको यह पढ़ाया कि क्यों और कैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाए जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, जिसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सारी खासियत है, जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ना ये शायद सफिशिएंट ना हो, लेकिन 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफिशिएंट है। अब मैंने सोचा कि मैंने आपको अब तक दो प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बता दिया है, एक जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम्स,
एक जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले कि मैं इस वीडियो लेक्चर का खात्मा करूं, क्यों ना लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया है जितना भी ज्ञान, उसे थोड़े से अलग स्टाइल में एक नए तरीके से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि शायद आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो मेरे इस वीडियो के उस हिस्से पे आपको ले चलता हूं जिसमें आपको यही बातें किसी और अंदाज में, किसी और तरीके से देखने को, सुनने को, समझने को, जानने को मिलेंगी। फिर लौट कर आता हूं और आपके सामने इस वीडियो का अंत करता हूं। पहले आप इसे देखिए। हमारे घरों में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे समय पर हम क्या करते हैं? हम किसी भी तरह के खतरनाक इन्फेक्शन से बचने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। ये आमतौर पर पेस्टिसाइड्स की मदद से किया जाता है। पेस्टिसाइड्स अनचाहे और खतरनाक कीटाणु को मारकर हमारी मदद करते हैं। सेल्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उनके पास पेस्टिसाइड का एक बैग होता है? खैर, ये कुछ हद तक सही है। सेल्स के अंदर एक स्पेशल स्टोरेज ऑर्गेनल होता है। इस ऑर्गेनल में केमिकल्स होते हैं जो सेल में बनने वाले या तो सेल के बाहर से आने वाले टॉक्सिन को नष्ट करते हैं। क्या आपको पता है इस ऑर्गेनल को क्या कहते हैं? इसे लाइसोसोम कहते हैं। चलिए हम इस वीडियो में इस दिलचस्प ऑर्गेनल को समझते हैं। हर एक सेल बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनाता है और कुछ वेस्ट हानिकारक भी हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि सेल को साफ करने के लिए हमें एजेंट्स की जरूरत है? इतना ही नहीं बल्कि सेल को कई बाहरी पार्टिकल्स का भी सामना करना पड़ता है जो अंदर आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से सेल इन हानिकारक पदार्थों से छुटकारा पाता है? आपने सही गैस किया। यहाँ लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनल्स हैं जो काम आते हैं। लेकिन वो क्या है जो लाइसोसोम्स की मदद करता है इस बचाव कार्य को करने में? असल में लाइसोसोम्स एंजाइम्स का एक बैग होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो कई सारे अलग अलग एंजाइम्स मिलकर लाइसोसोम्स बनाते हैं, पर ये ज्यादातर हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं और उन्हें बेकार कर देते हैं। तो जब कभी बैक्टीरिया जैसी फॉरेन बॉडी सेल पर हमला करती है या फिर जब भी पुराने ऑर्गेनल खराब होते हैं तब लाइसोसोम्स एक्टिव हो जाते हैं। वे टारगेट बॉडी को अपने अंदर निगल कर उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी सेल अचानक से अपना कंट्रोल खो देता है और अजीब सा बर्ताव करने लगता है। अगर ऐसे समय पर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो हो सकता है कि नजदीक के सेल्स भी डिस्टर्ब हो जाए। तो लाइसोसोम सेल को कंट्रोल करने में कैसे मदद करते हैं? खैर, वो इसे किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं। ऐसे केस में लाइसोसोम्स बस फट जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। उनके फटने की वजह से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। इससे सेल नष्ट हो जाता है क्योंकि सेल के सभी कंटेंट्स को एंजाइम्स निगल लेते हैं। क्योंकि लाइसोसोम्स जरूरत पड़ने पर सेल को मारने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब इन सभी कामों को करने के लिए सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? चलिए हमारे अगले वीडियो में सेल के पावर हाउस से परिचित होते हैं। शहर की प्लानिंग का काम दिया गया है। आवश्यकताओं की लिस्ट में क्या शामिल होगा? एक मेडिकल केयर सेंटर, मार्केट एरिया, गार्डन, शॉपिंग सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कई चीजें। इनके अलावा पानी की उचित सप्लाई और एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया सीवरेज सिस्टम आवश्यकताओं के चार्ट में सबसे ऊपर होगा। जरा ठहरिए, क्या हम कोई जरूरी चीज भूल रहे हैं? हर घर को ठीक से काम करने के लिए क्या पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। पावर सप्लाई आज हर घर की सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। इसके बिना महत्वपूर्ण और उपयोगी चीजों का इस्तेमाल संभव नहीं है। इसी तरह हमारे सेल्स में ऑर्गेनल्स को काम करने के लिए एनर्जी की सप्लाई लगातार होनी चाहिए। तो कौन सा ऑर्गेनल जिम्मेदारी लेता है इस एनर्जी को सप्लाई करने की? जी हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है।
इस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल को सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये उन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है जो सेल के काम आने वाली एनर्जी के रूप में होते हैं। पहली बात, काम आने वाली एनर्जी के रूप में, इसका क्या मतलब है? खैर, मान लीजिए कि हम एक दुकान से कुछ खरीदना चाहते हैं। सामान के बदले में हम दुकानदार को क्या देंगे? क्या हम उसे सिर्फ कागज के टुकड़े दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम सही करेंसी नोट्स देते हैं, ना कि सिर्फ कागज के टुकड़े। हालांकि दोनों कागज से बने हैं, लेकिन करेंसी नोट्स वैल्यू के स्टैंडर्ड रूप हैं। तो हम कह सकते हैं कि करेंसी नोट्स यूजेबल फॉर्म्स हैं। अगर वही आकार का कागज दिया जाए तो वो करेंसी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यूज होने योग्य को ही स्टैंडर्ड या करेंसी नोट माना जाता है। इसी तरह हम जो खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, हम ये जानते हैं, लेकिन खाने से मिलने वाली एनर्जी इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को प्रयोग होने वाले मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। इन्हें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसे एटीपी के रूप में अब्रीविएट किया जाता है। तो क्या ये एटीपी मॉलिक्यूल्स उपयोगी रूप है? जी हाँ, एटीपी मॉलिक्यूल्स के टूटने पर सेल्स एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो सेल का ये पावर हाउस कैसा दिखता है? माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, बाहरी मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन। बाहर की मेम्ब्रेन पोरस होती है, इसका मतलब है कि ये अपने आर पार मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है। अंदर की मेम्ब्रेन थोड़ी अलग और दिलचस्प है समझने के लिए। इस मेम्ब्रेन में कई फोल्ड्स होते हैं और इसलिए उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इन फोल्ड्स को क्रिस्टे कहते हैं। लेकिन एक बड़े सरफेस एरिया का उपयोग क्या है? एक बड़ा सरफेस एरिया केमिकल रिएक्शन को जनरेट करने वाले एटीपी के लिए एक बड़ी बेस होता है, क्योंकि बड़े एरिया का मतलब है ज्यादा एंजाइम्स जो एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। इस मेम्ब्रेन के अंदर के भाग में एक मैट्रिक्स होती है जिसमें एटीपी के प्रोडक्शन के लिए सभी आवश्यक एंजाइम्स होते हैं। जैसा कि हमने देखा, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस की तरह ही ऑर्गेनेल का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन बना सकता है और अपने आप रेप्लिकेट भी कर सकता है। इसका मतलब है कि ये अपनी कॉपी खुद बनाता है। आई होप माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों कि आपको अब मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर नंबर 6, वीडियो लेक्चर नंबर 7 के दोनों बातों को मिलाकर अगर मैं कहूं तो आपको समझ आ चुका है कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज गॉल्गी अपैरेटस, व्हाट इज राइबोसोम्स, एंड डेफिनेटली आज हमने बात कर ली लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया की। यानी कुल मिलाकर हम 5 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और गॉल्गी अपैरेटस तीनों की बात हुई थी। आज के वीडियो लेक्चर में 2 सेल ऑर्गेनल्स की बातें हुई हैं, एक जिसे कहते हैं लाइसोसोम्स और दूसरा जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर आएगा वो सेल की यूनिट का आखिरी वीडियो लेक्चर होगा और उसमें मैं आपको बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स के बारे में दूंगा पूरा पूरा ज्ञान, ताकि नहीं होना पड़े आपको जरा भी परेशान। सो माय डियर क्लास 9th के स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें अच्छे से समझ आई हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने सभी दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए मेरी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।